इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना। नाबालिग लड़की की हालत गंभीर, स्थानीय पुलिस ने उपचार के लिए भेजा। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र का मामला। मौके पर पहुंचे एसपी यमुना पार सहित कई आला अधिकारी, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। पूरी घटना कल शाम की बताई जा रही है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां राशन न मिलने पर युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। राशन न मिलने से नाराज कोतवाली तिरवा के बहादुरपुर गांव का रहने वाला प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पी फिल्म शोले के वीरू की तर्ज पर तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोटेदार ने उसे राशन नहीं दिया और भगा दिया। युवक को पानी की टंकी पर चढ़ा देख तहसील प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और बिना देर किए एसडीएम जयप्रकाश, तहसीलदार अनिल सरोज एवं कोतवाल शैलेश मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंचे और युवक को नीचे उतरने के लिए उसकी मान मनोबल शुरू कर दी। लेकिन प्रेम प्रकाश एक ही रट लगाया था कि प्रशासन उसे राशन दिलवाए और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा वह कूद कर जान दे देगा। युवक को बार बार टंकी की रेलिंग से लटकता देख प्रशासन और मौजूद भीड़ की सांसें थमती नजर आई। करीब एक घंटे के बाद आखिरकार प्रशासन युवक को मनाने में सफल हो गया। टंकी से नीचे उतरते ही प्रेम प्रकाश को पुलिस ने उसे दबोच लिया। तहसीलदार अनिल सरोज ने बताया कि युवक के परिजनों से बात करने पर जानकारी मिली कि कोटेदार द्वारा परिजनों को राशन दिया गया था, फिर भी मामले की जांच कराई जा रही है, दोषी मिल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह पर सुमन नगर चौकी में गोष्ठी का आयोजन। सुमन नगर चौकी परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनुरोध ब्यास चौकी इंचार्ज सुमन नगर ने सुमन नगर वासियों को नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग न करने की अपील की। आपको बता दें कि हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड पुलिस ड्रग्स दिवस को 22 से लेकर 28 जून तक साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाकर मनाती है। इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था के निर्देशानुसार मनाए जा रहे ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के आदेश के अनुपालन में कमलेश उपाध्याय पुलिस अधीक्षक नगर व डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में सुमन नगर चौकी परिसर में सुमन नगर क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ गोष्ठी कर क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली और ग्रामीणों को नशा न करने की अपील की। अनुरोध ब्यास के इंचार्ज सुमन नगर ने कहा कि हर तरह का नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आज के समय में युवा शराब, सिगरेट, ड्रग्स, अफीम, चरस सहित न जाने कितनी जहरीली चीज़ों का सेवन करते हैं। इन चीज़ों के आदि हो जाते हैं, बाद में वह सामाजिक बुराइयों को भी पैदा कर देते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह नशे से दूर रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ समाज के हर तबके के लोगों को जागरूक होना होगा, तभी समाज सुधरेगा। इस मौके पर अनुरोध ब्यास चौकी इंचार्ज सुमन नगर संजय तोमर, धन्नालाल टमटा आदि लोग मौजूद रहे। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ हरिद्वार की रिपोर्ट। हाँ सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये बातें पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं। सुमन नगर चौकी के प्रभारी श्री अनुराग व्यास जी के द्वारा आज ये सभा बुलाई गई थी, जिसमें पूरे ग्रामीणों ने भाग लिया है। पूरे ग्रामीण आए, उन्होंने अटेंड किया। इस मीटिंग का उद्देश्य इन्होंने रखा था कि ये जो ड्रग्स निषेध है, जो ये नशाखोरी है, नशाबंदी, इसके बारे में इन्होंने जागरूक किया है। सभी लोगों को बताया गया है कि भाई इस प्रकार के ड्रग या इस प्रकार को ड्रग्स लेता है तो उसके बारे में आपको बताना है। ड्रग कैसी चीज़ है, ड्रग के बारे में क्या इसके दोष हैं, क्या इसके अवगुण हैं, क्या इसका इफेक्ट है, ये सारे बातें विस्तार से ग्रामीणों को बताई गई। ग्रामीणों को ये भी बताया गया कि भाई अगर आपके परिवार में या आपके संज्ञान में, आपके आसपास, आपके क्षेत्र के आसपास कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जो ड्रग्स लेता है, तो उसको आप बताएं। उसके लिए जो है पुलिस विभाग भी है, जिला प्रशासन भी है, नशा मुक्ति केंद्र की व्यवस्था है उन लोगों के लिए, या कोई व्यक्ति जो इस प्रकार के व्यापार कर रहा है या कोई इधर सप्लाई करता है किसी प्रकार की, तो उसका भी सूचित करें, क्योंकि बिना गांव के, बिना जन सहयोग के कोई भी अभियान सक्सेस नहीं हो सकता है। ये हमारे चौकी इंचार्ज साहब ने बताया है। हमने सुमन नगर बांध परियोजना के अध्यक्ष होने के नाते चौकी प्रभारी महोदय को ये आश्वासन दिया गया कि भाई हमारी तरफ से, पूरी समिति की तरफ से पूरा सहयोग
तैयार हैं। आप जब भी कहें रात दिन हम पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में इसकी निगरानी करेंगे और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके समाज से बाहर करने का प्रयास आपके माध्यम से कराएंगे। इस बात की बात है, अन्य ग्रामीणों ने भी काफ़ी अपने अपने वक्तव्य दिए और संतुष्टि होने के बाद उन्होंने सभा का समापन किया और मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ रहे और हमारी समस्याओं को बार बार प्रशासन से उठाते रहे। खबर जनपद बाराबंकी के कस्बा बदोसराय के पंचायत भवन में विद्युत विभाग द्वारा लगाया गया कैंप, ताकि विद्युत संबंधित समस्या वाले उपभोक्ता कैंप का लाभ ले सके। उसके बावजूद भी कस्बा बदोसराय में रोड पर कनेक्शन धारकों की चेकिंग की गई, जिसमें बीडी यादव जई और उनके साथ में विद्युत कर्मचारी सत्यवान, पप्पू लाइनमैन नंदू राजेश और उनके साथ में पूरी बिजली विभाग की टीम के कर्मचारियों ने चेकिंग की। सबसे बड़ी समस्या कस्बा बदोसराय में लो वोल्टेज की रही, जिसमें लो वोल्टेज होने के कारण लैपटॉप नहीं चल रहा था, जिसमें विद्युत कर्मचारियों को बिजली बिल जमा करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। टीवी इंडिया 18 के लिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ बब्लू की रिपोर्ट। नगर पंचायत अरसू में सफाई कर्मचारियों से चेयरमैन प्रतिनिधि अपने निजी खेतों में करवा रहे कार्य। नगर पंचायत अटसू का मामला प्रकाश में आया, जहां सभासदों ने बताया कि अटसू नगर पंचायत के लेबर से नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अपने निजी खेतों में मक्का कटवाने का कार्य करवाते हैं, जबकि नगर पंचायत में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मौके पर 19 लेबर कार्य कर रही थी और ट्रैक्टर व ट्रॉली भी लगी हुई थी, जबकि चेयरमैन प्रतिनिधि अपने सफाई में बताया कि छुट्टी के बाद सफाई कर्मचारियों से कार्य करवाया जा रहा है, जिस पर सभासदों ने बताया कि अभी 4:30 का टाइम हुआ है और लेबर यहां 3 से कार्य कर रही हैं। इस पर चेयरमैन प्रतिनिधि बिसंबर सिंह ने सभासद सालीग्राम पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोहिया नगर में नगर पंचायत की जगह पर अपना कब्जा किए हुए हैं, जिसमें अपना ट्रैक्टर ट्राली व अन्य सामान रखे हुए हैं, यानी कि मामला बहुत पेचीदा है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सभासद जितेंद्र पोरवाल टिंकू, लोहिया नगर अटसू व श्रीनगर सभासद प्रतिनिधि नंदू सक्सेना और सालीग्राम ने कहा कि यदि मैं अपने निजी ट्रैक्टर ट्राली इत्यादि नगर पंचायत की जगह में खड़ा करता हूं, तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से क्यों नहीं की, जब आप अपने खेत पर मक्का कटवाने का कार्य कर रहे हैं और आपको हम लोगों ने मौके पर इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों से अपने निजी खेतों में कार्य करवाते हुए वीडियो बना लिया है, तो आप मुझ पर ही आरोप लगाने लगे जो कि निराधार है। और आप ये बताएं कि आपने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों से अपने निजी खेतों में कार्य क्यों करवाया, जिससे कस्बे में कार्य प्रभावित होता है और सरकार का पैसा भी डूबता हुआ दिखाई देता है। ब्यूरो चीफ विमल कुमार पांडे की रिपोर्ट। ये 5 तक जो कार सभी चलते हैं ना, यहाँ 3 से लेबर लगी हुई है, लूटपाट कर रहे हैं आवाज के मामले में, किसी 10,000 किसी 20,000, तो यही लोग हैं जो विरोध करने तो वाले। आप साफ प्रतिनिधि हैं तो आप उसका खुद विरोध कर सकते हैं भाई, आज तक आपने विरोध क्यों नहीं किया, जब आप मौके पे पकड़े गए तो आप विरोध उठाए, उसमें आप ऐसा तो नहीं है कि अगर वो चोर क्या है जी, नगर पंचायत की लेबर को आप यूज कर रहे हैं, अरे हम हैं जो आप हैं, जो हमें आप भी जो है सो ही हम हैं, आप प्रतिनिधि हैं, हम भी प्रतिनिधि हैं, अरे हम चोर हैं क्या, नहीं चोर, खेतों में लेबर लगा के आप काम करवा रहे तो क्या है, नगर पंचायत की लेबर को नालों पे काम होना चाहिए, सफाई होनी रही है, गंदगी भरी हुई है और आप जो लेबर से जो है गोबर और ये खाद गोबर सब भरवा के अपने खेतों में यूज कर रहे हो, दिखाई रहा हूँ कहीं कल भी पड़ा है भूरा, तो भूरा टिंकू ने भरवा, सारे ग्राम ने भरवा, डालो कहाँ पड़ा है, आपके पास कोई प्रूफ है, तुम्हारे पास प्रूफ है, हाँ ये है हमारे पास प्रूफ है, अब हम बताएंगे ना वो तो प्रूफ, तो बताओ वो हम बताएंगे प्रूफ है कि नहीं है, ये आपकी ट्राली भर के आपके खेतों में आ रही है। बलौदा सहित जिले के बेरोजगारों को जिला पंचायत में किया जा रहा ठगने का काम, लोन देने के लिए सहायक संचालक द्वारा किया जाता है 8% की मांग। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करते हुए उन्हें जिला पंचायत से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि बेरोजगार भाई बहन को बेरोजगारी से मुक्ति मिल सके और वे अपने स्वयं का रोजगार चला सके, लेकिन उन्हें खादी ग्राम उद्योग से ऋण देने के पहले जिला पंचायत में सहायक संचालक के पद में पदस्थ पंकज अग्रवाल के द्वारा पूरे प्रक्रिया को समझाया जाता है। वहीं अंत में इस जिला पंचायत में ऋण दिलाने के एवज में 8-10% रिश्वत की मांग की जाती है, नहीं देने पर उनके ऋण में मिलने वाले अनुदान से उन्हें वंचित होना पड़ता है और सहायक पंकज अग्रवाल के द्वारा खुलेआम प्रति लाख ऋण में 1,000 की मांग की जाती है। वहीं जिला पंचायत में कुछ महिला समूह की सदस्य भी पहुंची हुई थी,
जिनमें भी सहायक संचालक पंकज अग्रवाल में 5 लाख ऋण देने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की और प्लाईस खोलने के एवज में 25 लाख के लोन में 80,000 जिला पंचायत में अपने पास जमा कराने की बात कह रहे हैं, जिसे स्ट्रिंग कर वीडियो बनाया गया। अब सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि प्रति माह तनख्वाह मिलने के बाद भी सहायक संचालक के द्वारा रिश्वत की मांग क्यों की जाती है, जबकि हितग्राहियों को निःशुल्क ऋण प्रदान करना है ताकि वे सही तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। दूरी और इस कार्यालय में 2 ऐसे कर्मचारी राजू महाराज और धनेश कश्यप को काम पर रखा गया है, जिनकी ना तो इस कार्यालय में नियुक्ति हुई है ना ही इनकी नौकरी लगी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जिले में कुछ दिन पूर्व काम कराने के एवज में पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर अधिकारियों के द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई थी और अब खुलेआम रिश्वत मांगने वाले खादी ग्रामोद्योग के सहायक संचालक पंकज अग्रवाल पर उच्च अधिकारियों के द्वारा किस तरह की कार्यवाही की जाएगी या फिर इन पर कार्यवाही न होने से इनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते जाएंगे, जिसका खामियाजा भोले भाले हितग्राहियों को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18 न्यूज, जांजगीर चांपा। पुराना वाला लाली टा भट्टा वाला चला था, ठीक है, लेकिन वाला फ्लाईएस लगाना जिस तरह वो ही डाइवर्सन है। हाँ हाँ, तो दे दे कागज कहाँ लगी, कैसे लगी, थोड़ा डाइवर्सन का पेपर दे दे, नक्शा खसरा भी दे दे, पंचायत के यहाँ पत्ती दे दे, पंचायत वाला। हाँ, और तो जितना जाति निवास आधार पैन मार्कशीट फोटो बैंक क्वान्टिटी कार्ड राशन कार्ड सब ला दें, और ये वाला फॉर्मेट ले जाए जो सबक पत्र का वापस है। हाँ, और लेके चल दीजिए। तो फिर बैंक वगैरह में भी कुछ लगेगा भाई? बैंक और तो जमीन वाला मॉर्गेज कर ही रखी होकर एवज में रही, अगर वैल्यूएशन करवा ली कितना बिल्ली हुआ थी। अच्छा, 25 लाख सीमा है हमारी, 25 लाख 9 लाख छूट है, 9 लाख 8 लाख 75 एस टी अंतर 8 लाख 75 8 लाख छूट है, 6-25 मिनट एस टी अंतर वाले 8 लाख 75 मतलब 8 लाख 75 छूट रही हो? छूट रही। तो वो मंथली पटाना रही कि मंथली मंथली किस्त? तो थोड़ा 3 से 6 महीना वहाँ मेरिटोरियल पीरियड देते हैं कि तो काम चालू होने के बाद ही तो किस्त बंधी होकर पहली। अगर ब्याज क्या रहे पड़ती तो ब्याज अलग अलग पे कि 8 से 10% सालाना इसे तो हमारा टोटल कितना खर्चा आता है सर? कुछ में बैंक में तो बता दो हिसाब से पूरा कंप्लीट करना है। सब्सिडी आते हैं तो वो यही देना पड़ेगी वहाँ बैंक में? बैंक के अलग यहाँ के, यहाँ के 10% 10 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती सर? 8 लाख 75 हज़ार भी देखते हैं लेकिन नहीं देखते। तो ट्रेनिंग करवा सकते हैं 10% कितना हो जाएगा सर? 80% तो वो किस्त में देना पड़ेगी फिर? क्या क्या बोले फिर भी पंकज अग्रवाल सर? अच्छा, खुद ही बात करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से सेंक्शन ही कर देंगे ऐसा 5,000 रुपये? और कुछ डिमांड की? जिला मिर्जापुर थाना क्षेत्र अदलट ग्राम गौरंडी की महिला प्रिया पांडे का रो रोकर बुरा हाल हुआ। जिला मिर्जापुर ग्राम गौरंडी गांव की रहने वाली प्रिया पांडे का रो रोकर बुरा हाल हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि मेरे गांव की बेटी प्रिया पांडे की शादी वाराणसी जिले के शोएपुर पास न्यू कॉलोनी के में हुआ। लगभग 10 साल शादी को हो गए लेकिन जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिल पाया। लोगों का कहना है कि हमारे गांव की बेटी के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। प्रिया पांडे की सासू माँ काफ़ी अत्याचार करती हैं और उनके घर वाले उनका जीना मुहाल किए हुए हैं। प्रिया पांडे के पिता कई बार अदालत से गुहार लगाए और कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रिया पांडे के पिता परिपूर्णानंद ने बताया कि मेरे पास 2 बेटी और पत्नी के अलावा और कोई परिवार नहीं है।
मैं अपनी बेटी के लिए कई जगह गुहार लगाई लेकिन अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया। मेरा बस यही कहना है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में सुख शांति से रहे, एक पिता को इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं चाहिए। मेरी प्रिया पांडे का कहना है कि मेरे ससुराल में हमारे देवर रामजन्म पांडे, मेरी सासू माँ सरोजा देवी काफ़ी कष्ट देते हैं मुझे, आए दिन हमारे ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। मैं कई बार अपने पिता से शिकायत की और अपनी मम्मी से भी शिकायत की लेकिन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने जीवन से काफ़ी कष्ट कसे काट रही हूँ। आप लोगों से बस मेरा यही निवेदन है कि हमारी आवाज़ को, हमारे दर्द को चैनल के माध्यम से प्रदेश के सरकार तक पहुँचाया जाए और मुझे न्याय मिले। अगर मेरी आवाज़ को कोई नहीं समझा और मेरी बात को कोई नहीं समझा तो मैं आत्महत्या पर उतर जाऊंगी। आपकी बेटी, देश की बेटी प्रिया पांडे। जिला मिर्जापुर से क्राइम ब्यूरो चीफ साले यासीन की खास रिपोर्ट। जी कल 12 बजे रात को कुछ हुआ था, हमको पता नहीं था, हम झूठ झूठ बोलती है। आपको पता नहीं आपकी मम्मी चोट लगी है? पता नहीं, हमारा टेलर चल रहा था, हम सोए थे, जब निकले बोली ठोली बोलती है, मार मार भैंसिया के साड़ बर्धा आई, मार मार भैंस खाए आई बिटिया के आई देखिए ऊपर से ईटा चला रहे हैं ये लोग, आप खुद इन्हीं का रिकॉर्डिंग देख लीजिए। बताइए आप लोग अपना जी, ये बताइए कि आप लोग को परेशानी किससे है, क्या क्या दिक्कत है, कहाँ से? हमारी परेशानी हमारे फैमिली से है, हमारे हस्बैंड को छोड़कर के उनके सबसे परेशानी है सर। हमको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतने साल से हमारे साथ किए तो हमको कोई उतना ऑब्जेक्शन नहीं था। आपकी आवाज़ को हम कहाँ तक पहुँचाने का सर? हमारी आवाज़ को, हमारी विनती है कि हमारी आवाज़ को माननीय योगी मंत्री जी तक पहुँचाया जाए। अगर हमारे बात को नहीं सुना जा रहा है तो हम दोनों बहन आत्महत्या कर लेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहे टीवी इंडिया 18 के साथ। बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं जी? चाचा मामला क्या है बताइए जी। सर लड़की के उत्पीड़न का मैटर है और मानसिक आर्थिक परेशानी से पीड़ित होती है, कोई खर्च वर्च 5 साल से नहीं मिल रहा है जी। अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम परपूर्णानंद पांडे और पप्पू। ग्राम सभा गरौदी, जिला मिर्जापुर, थाना अरलहार जी। मामला कहाँ का है? मामला ये है पांडेपुर न्यू कॉलोनी सोयपुर का जी। वहाँ पे कौन सा रिलेशन आपका है? हमारी लड़की भी ही है। अच्छा जी बताइए। दिमाग का दिमाग पहले से ही डिस्टर्ब था, छिपा कर शादी किया गया जी। आज हम परेशान चल रहे हैं और हमें लड़की को आए दिन मारा पीटा जाता है, खर्च 5 साल से नहीं दिया जा रहा है। कौन मारता है? देवर, देवरानी सासू। देवर का नाम क्या है? देवर का नाम है, सास का नाम क्या है, ससुर का नाम क्या है? अवधेश पांडे। ससुर का नाम जी? हाँ जी। सास का नाम? सास का नाम है अच्छा, दामाद का नाम क्या है? सरोजा देवी। सरोजा देवी, सास का नाम। दामाद का नाम क्या है? आशीष पांडे जी। और उनके देवर का नाम क्या है? रामजन्म पांडे जी। सर बताइए उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि कायदे से लड़की को रखें और इस मिलान से उसको खर्च भर दें और इस तक के बहु बेटी रखें जी। अपने लड़की को खुश देखना चाहते हैं तो सर अगर मान के चलिए कि आप इसका शिकायत कहीं पर किए थे जी? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ हम किए जी। थोड़ा सा सबूत आपके पास हो तो इधर पेश करिए, थोड़ा कैमरे के सामने देखिए। हाँ बताइए ये कहाँ पे दिए हैं? पुलिस अधीक्षक महोदय के दिए। यहाँ पे क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई आश्वासन मिला और हमसे कहा गया कि थाने जाइए, थाने हम जाते हैं तो लड़कियों के हाथ से। कौन सा थाना पड़ेगा वहाँ पर? लालपुर लालपुर। और वहाँ का गांव, आपके आपके बेटी का गांव का नाम क्या है? उसका नाम है न्यू कॉलोनी चोर जी। सर और कोई कागज इसके अलावा आप और कोई कहीं और पर दिए हैं कि बस ये? हाँ चौकी पर दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिए हैं जी। कोई सुनवाई हुआ आज तक? सुनवाई तो होता है सर, आता है ये नायब दरोगा मिल करके। हाँ। ये एक बार सुल्ला नामक भी करा दिए हमसे जी। और दोनों लड़कियों को बाद में मारना पीटना परेशान करना यही चल रहा है जी। दूसरी वाली लड़की का नाम क्या है?
दूसरे वाले दामाद का? उनका नाम है चलिए फिर, आप बड़ी वाली बेटी से परेशान हैं या छोटी वाली? दोनों को परेशान किया जा रहा है सर, मैं कम नाम डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा, तो इसमें आप यही चाहते हैं कि हमारी लड़की दोनों सुकून से रहे? सुकून से रहे। ठीक है, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे टीवी इंडिया 18 के साथ। फायर सर्विस सरेनी यूनिट व ग्रामवासियों की सहायता से लगभग 50 फीट गहरे सूखे बोरवेल में गिरे बछड़े को सकुशल निकाला गया बाहर। अग्निशमन अधिकारी के आदेशानुसार गांव को भी किया गया सैनिटाइज। सरेनी रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर है। मंगलवार की सुबह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काली गांव में फायर सर्विस सरेनी यूनिट व ग्रामवासियों की सहायता से लगभग 50 फीट गहरे सूखे बोरवेल में गिरे गाय के बछड़े को सकुशल बाहर निकाला गया। हमारे संवाददाता आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां उल्लेखनीय है कि बीते एक रोज पहले एक गाय का बछड़ा गांव के किनारे एक सूखे लगभग 50 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा था, जिसकी सूचना मंगलवार को ग्रामीणों द्वारा यूनिट इंचार्ज आनंद प्रताप सिंह को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची फायर सर्विस सरेनी द्वारा यूनिट द्वारा घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की सहायता से बछड़े को सकुशल बाहर निकाला गया। इस दौरान कपिल त्रिवेदी, शधन अग्निहोत्री, अभिषेक शुक्ला और पुतानी मोनू अग्निहोत्री, राजेंद्र त्रिवेदी, आनंद सिंह, सत्यम त्रिवेदी, लल्लू शुक्ला, तूफान सिंह, पारस मिश्रा आदि दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। अग्निशमन अधिकारी रायबरेली के आदेशानुसार कालही गांव को सैनिटाइज भी किया गया। फायर सर्विस सरेनी यूनिट में यूनिट इंचार्ज आनंद प्रताप सिंह, लीडिंग फायरमैन उजागर सिंह, होमगार्ड सोमनाथ राकेश चंद्र गुप्ता भी मौजूद रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके ग्रामीणों ने खूब सराहना की। श्रवण कुमार सरेनी, रायबरेली की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण। आपको बताते चलें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिवरी नारायण नेहरू उद्यान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी, जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शत्रुघ्न दास महंत, नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी, उनके साथ ही रवि भारद्वाज भी इस मौके पर उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वृक्षारोपण हमारे और आने वाले भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्ष से ही हम वास्तविक जीवन का कल्पना कर सकते हैं, और जबकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। छत्तीसगढ़ जांच की चापा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। आज 29 जून को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के कार्यकाल का 2 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में श्रीनारायण से लेकर के तमाम जगहों में वृक्षारोपण, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों का सम्मान कार्यक्रम जैसे आयोजन किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवागढ़ के अध्यक्ष शत्रुघ्न दास जी महंत, नगर पंचायत श्रीनारायण की अध्यक्षा अंजनी मनोज तिवारी और अन्य कांग्रेसजनों के द्वारा नेहरू बाल उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है, जिस तरीके से पिछले कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, कांग्रेसजनों का ये मानना है कि यदि प्रदेश में हरियाली रहेगी तो पर्याप्त मात्रा में खुली हवा, ऑक्सीजन जैसे जीवन उपयोगी चीज़ें मिलता रहेगा। ये हमारी मूल भावना है और इसी कांग्रेस की स्वर्णिम परंपराओं के अनुरूप जा करके कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लिया, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण किए। एक और देखा जाए तो राज्य सरकार की ओर से लगातार जो है वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर वृक्ष की संरक्षण की बात करें तो पूरी जिस तरह से संरक्षण होना चाहिए वृक्ष का, उस तरह से संरक्षण नहीं हो रहा है, क्या बोलना चाहिए? बहुत सही बात कहा आपने। निश्चित तौर पर पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनकी सरकार ने करोड़ों रुपया का वृक्षारोपण करवाया, कागज में वृक्षारोपण हुआ, उनके देखरेख और संरक्षण की दिशा में उस सरकार ने कोई कार्यक्रम, कोई उपाय उन लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने उन किसानों के लिए जो अपने खेत में धान की फसल लेते हैं, यदि वृक्षारोपण करते हैं तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का उन्होंने निर्णय लिया है।
तो इस प्रकार से जो वृक्ष लगेगा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी हमारी सरकार ने प्रावधान किया है। और केम्पा मद में वन विभाग की तरफ से सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा जो भी वृक्षारोपण होगा तो पहले प्राथमिकता हमारी सरकार ने लिया है कि जो वृक्ष हम लगा रहे हैं उनके संरक्षण का दायित्व, संरक्षण की जिम्मेदारी और संरक्षण का उपाय पहले किया जाए, ये हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कार्यकाल और कांग्रेस सरकार की जो 2.5 साल का कार्यकाल है, इसमें बुनियादी अंतर यही है कि जब हम जो वृक्ष लगा रहे हैं उसकी संरचना वो कैसे जीवित रहे और कैसे आगे बढ़े, इस पर भी हम लोगों को चिंता है। लेकिन पिछली सरकार ने करोड़ों रुपया वृक्षारोपण के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में हमारे साथी लोग अपेक्षा और चिंता करते हैं कि वो उस कार्यकाल में वृक्षारोपण के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर बंदरबांट किया गया था। बीच में अभी सर एक मामला सामने आया था जो कि सुर्खियों में बना हुआ है, ग्राम पंचायत लोहरसी में 20 एकड़ में वृक्षारोपण की बात कहा गया था, लेकिन जब हकीकत में वृक्षारोपण की बात नहीं किया गया है, और साथ ही साथ जो भाजपा की पार्टी है उनके द्वारा सीधा सीधा राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, सर क्या बोलना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भ्रम, संशय और एक प्रकार से अफवाह फैलाने में माहिर हुआ। जिस दिन का कार्यक्रम था, वर्चुअल उद्घाटन का कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में था, हमारे कांग्रेस परिवार के तमाम साथी थे, वहाँ की सरपंच ने जो बातें कही उस पर गौर करना सबसे पहले लाजमी होगा। उन्होंने ये कहा कि हम अपने ग्राम पंचायत की 20 एकड़ जो ज़मीन था जो कब्जे में था उसको हम लोगों ने खाली करवाया है, और खाली करवा करके 5-5 एकड़ को उन्होंने प्रोजेक्ट बताया था कि इस 5 एकड़ में ये वृक्ष लगाएंगे, इस 5 एकड़ में ये वृक्ष लगाएंगे, इस 5 एकड़ में ये वृक्ष लगाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था और ना ये उन्होंने कहने का कोई आशा भी नहीं, ये जो अतिक्रमण से मुक्त हुआ जो जमीन है उसके लिए उन्होंने प्लानिंग किया है कि 5 एकड़ में इस प्रजाति का पेड़ लगाएंगे, 5 एकड़ में इस प्रजाति का पेड़ लगाएंगे, ये बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया कि वृक्षारोपण लगा दिया गया जबकि क्षेत्र वहाँ पर स्थानीय कोई वृक्षारोपण नहीं, ये बात हम लोगों ने नहीं कहा था। और ऐसा संभव ही नहीं है कि यदि 15 दिन में आप वृक्षारोपण के नाम से अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे तो क्या 15 दिन में पेड़ बन जाएगा क्या वहाँ? ये हम लोगों ने कहीं नहीं कहा है, ना हमारी सरपंच ने कहा। वो कांग्रेस पार्टी के परिवार की बहू है, ग्राम पंचायत की बहुमत से बहुत अच्छे ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधि है, और मनसा और आशा ये रहा हमारा कि वृक्षारोपण के नाम से जमीन को भेजा कब्जा से खाली कराया गया है, उसमें प्लानिंग के तहत 5-5 एकड़ जमीन खाली करवा कर, खाली जो हुआ है उसमें 5-5 एकड़ में अलग अलग प्रजाति के पौधे रोपे जाएंगे। और इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कुछ ऐसे असंतुष्ट लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, ये देखिए पेड़ यहाँ नहीं लगा है, ये देखिए पेड़ यहाँ नहीं लगा। हम थोड़ी बोले थे कि 20 एकड़ में पेड़ लगा डाले, हमारा आसन दिया। तो इस प्रकार आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, इस प्रकार का जो भ्रम और अफवाह और जिस तरीके से संशयपूर्ण वातावरण उन्होंने बनाया ना, उसका आप लोग पुरजोर तरीके से प्रचारित करिए, इस दिशा में आप हमारा सहयोगी बने। धन्यवाद। किस तरह से कार्य अब छत्तीसगढ़ के काम जी के 2 साल पूरा हो गए, लक्ष्मी आज काम करी मोहन मरकाम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि वृक्ष लगाना ही एक काम नहीं है, एक संरक्षण भी करना है, एक भी कई सारी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी है खबर लागू करेंगे। पेड़ लगा के छोड़ देते रहे तो वो पेड़ लगाए हमारे का काम करेंगे, ओकर संरक्षण भी बहुत जरूरी है। और हम आज निधि विद्यालय में वृक्षारोपण करेंगे। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार में डूबे व्यक्ति को ना तो नाता रिश्ता ही दिखाई देता है, ना ही समाज की मान मर्यादा। पर ये कैसा प्यार जिसमें समाज में मान मर्यादा की नज़र से देखे जाने वाले रिश्ते को तार तार कर दिया। ऐसा ही एक मामला गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के रतनपुर साहटोला का सामने आया, जहाँ शादी के कुछ दिनों बाद में रिश्ते में मामी अपने भांजे के प्रेम में पागल हो गई थी। एक दिन मामा की गैर मौजूदगी में भांजा के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि लखीसराय चानन प्रखंड मननपुर गांव निवासी एक युवक की शादी झाझा थाना के दोनों गांव के रहने वाले गौरी राम सा बेटी के साथ हुई थी। शादी के बाद रतनपुर शाहटोला के निवासी चंदन सा अपने ननिहाल मननपुर आना जाना किया करता था, जिसमें दौरान मामा और मामी और भांजे के नजदीकियां बढ़ती गईं। फिर क्या था, दोनों ने सारे रिश्ते नाते को भुलाकर एक होने का फैसला कर लिया। मौका पाते ही वो फरार हो गए। इस घटना से रतनपुर शाहटोला में इस रिश्ते पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं प्रेम में भागी मामी ने भांजे के साथ शादी कर ले जाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में पोस्ट किया है,
ब्यूरो चीफ अजय यादव की रिपोर्ट। राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारागढ़ की प्रधानाध्यापिका मंजू रानी को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। हमारे चैनल द्वारा इस खबर को मुख्य रूप से प्रसारित किया गया था, जिसका आज बड़ा असर हुआ है। दरअसल पूरा मामला है ब्लॉक बहादुराबाद के हजारागढ़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी और अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसको देखते हुए बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उपखंड शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद उपयुक्त संबंधित मामले की जांच कर रहे थे, जिनके द्वारा जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष पेश कर दी गई। निर्णय लिया गया कि जिसमें राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारागढ़ के प्रधानाचार्य मंजू रानी को अभी आंशिक दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विद्याशंकर चतुर्वेदी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानाध्यापिका मंजू रानी के विरुद्ध जिस तरह की शिकायत और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें प्रधानाध्यापिका मंजू रानी की स्थिति संदेह के घेरे में है, जिसमें आज कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रधानाध्यापिका मंजू रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं आगे की कार्यवाही के लिए आदेश दे दिए गए। जांच प्रक्रिया अभी लगातार चालू है। जांच के अनुसार यदि मामले में और भी कुछ तथ्य छुपाए गए हैं और जांच अधिकारी उपखंड शिक्षा अधिकारी के सामने आते हैं, तो शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाध्यापिका के खिलाफ संबंधित थाने में FIR कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हालांकि स्कूल के अध्यक्ष की ओर से सिडकुल थाने में पहले से ही स्कूल के प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। पूरा मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल के प्रधानाध्यापिका मंजू देवी के द्वारा स्कूल के अध्यक्ष से 8,000 के चेक पर साइन कराकर 80,000 रुपये का पेमेंट निकाल लिया गया था। यही नहीं, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक शिक्षा को लेकर लापरवाह हैं, जिसके चलते पूर्व में प्रधानाध्यापिका स्कूल में ताला डालकर अपनी निजी छुट्टी मनाने में व्यस्त थीं। मामला यही नहीं खत्म हो जाता है, स्कूल परिसर की चाबियां अन्य व्यक्ति के पास प्रधानाध्यापक के द्वारा छोड़ दी गई थी, जिसके संदर्भ में पहले भी स्कूल परिसर में चोरियां हो चुकी हैं। अनियमितताओं का लेखा जोखा पूरा मामला जब जिला शिक्षा अधिकारी के दरबार पहुंचा, तो मामला प्रकाश में आने पर यह मामला जिला शिक्षा अधिकारी रोशनाबाद के दरबार तक पहुँच गया था, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में उपखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही थी। इसी प्रकरण में आज राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारागढ़ की प्रधानाध्यापिका मंजू रानी को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ हरिद्वार की रिपोर्ट। हजारागढ़ के विषय में जो शिकायत प्राप्त हुई थी अवरार अली की, उसमें उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद को जांच सौंपी गई थी, उनकी जांच रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और उस जांच रिपोर्ट में उप शिक्षा अधिकारी ने, जांच अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता की आशंका व्यक्त की है और ये तथ्य भी प्रमाणित हो रहा है कि पहले 8,000 रुपये ही चेक में भरे गए थे और प्रधानाध्यापक का ये कहना है कि अबरार अली प्रबंधन समिति अध्यक्ष की मौखिक सहमति से ही 8,000 का 80,000 किया गया था और फिर 80,000 का चेक आदेश किया गया था। फिर प्रबंधन समिति के गठन को लेकर भी शिकायत थी और प्रधानाध्यापक की जो ये गतिविधियाँ इस संदर्भ में हैं वो संदिग्ध रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए इनका निलंबन किया जा रहा है। निलंबन के बाद एक विस्तृत जांच कराई जाएगी पुनः, जिसमें ये वित्तीय अनियमितताएँ या प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो निकल के आएंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या किस टीचर के ऊपर विभाग स्वयं FIR दर्ज कराएगा यदि इस तरह की वित्तीय अनियमितता की स्थिति आएगी। सहारनपुर पंचायती राज विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय वालिया ने की प्रेस वार्ता। ग्राम गदनपुरा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय वालिया ने पंचायती राज विभाग की कार्यशैली को देखते हुए विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपने शहर से शारदा नगर स्थित निवास पर प्रेसवार्ता का आयोजन किया, जिसमें ग्राम गदनपुरा
प्रधान संजय वालिया ने कहा कि पिछले 5 माह में नियुक्त प्रशासकों ने विकास के नाम पर धन को खुर्द बुर्द कर डाला, जिसका खामियाजा ग्राम प्रधानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी मामले की जांच कराकर कार्रवाई करें, अन्यथा सोमवार से वह हल्ला बोल अभियान के तहत धरना शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान को सर्वे सर्वा माना जाता था, लेकिन अब हकीकत जानकर लगा कि गांव में ग्राम प्रधान की कोई हैसियत नहीं है। केवल एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव गांव की व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं, जिसके बाद ग्राम प्रधान के समक्ष आर्थिक संकट होने के साथ साथ गांव के विकास की समस्या भी खड़ी है, क्योंकि बैंक खातों में धनराशि नहीं है और ग्रामीण उनसे गांव के विकास की आशा किए हुए हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह 40% कमीशन को अपना हक हलाल बताते हैं। ऐसे में गांव का विकास हो पाना किसी भी रूप से संभव नहीं है। हमारी मांग है कि शीघ्र ही प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधानों को अधिकार के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए, अन्यथा हम सभी ग्राम पंचायत विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू करेंगे और सोमवार से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। साथियों, मैं संजय वालिया, नवनियुक्त ग्राम प्रधान गदनपुरा, 32 साल से राजनीति कर रहा हूं और जब भी सोचता था कि ग्राम सभा का जो प्रधान होता है, एक ग्राम सभा का वो अपने आप में स्वामित्व होता है, उसका फुल अधिकारी होता है, जो करता धरता वही होता है, यही सुनने में आया था, यही बताया गया था। लेकिन जब से नवनियुक्त प्रधान बना हूँ, सोच के हैरानी होती है, प्रधान का तो कोई ओहदा ही नहीं है। सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, सीडीओ सभी बड़े बड़े अधिकारी ही इसके मेन करता धरता है। हम तो मात्र एक कठपुतली मात्र हैं, जो वो लोग हमें आदेश कर दें दरी बिछाने का, मीटिंग की व्यवस्था का, पेड़ लगाने का, जो ऊपर से आदेश आता है, प्रधान को नौकर की तरह से काम करने की स्थिति होती है। उसके बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से नए आंदोलन को शुरुआत करूँ, क्योंकि मेरे में एक बहुत बड़ी कमी आज तक रही है, अपने सामने गलती होती नहीं देख पाता। जितने भी सचिव हैं, जितने भी एडीओ पंचायत हैं, प्रशासक रहे पिछले 5 महीने में, मैं नहीं समझता कि जो 5 साल में पीछे काम नहीं हो पाया, वो 5 महीने में उन्होंने काम कर दिखाया। तो 5 साल कहाँ थे वो लोग, तब काम नहीं करा सकते थे? और लेकिन 5 महीने में इतनी तेजी से काम हुआ कि जितने प्रधानों के खाते थे वो सारे खाली करने का काम हो गया है, जो बर्दाश्त नहीं होता। और सेक्रेटरी लोग साफ तौर पर कहने काम करते हैं कि हमारी हक हलाल की कमाई है कमीशन, 32% से लेकर 40% कमीशन पिछले 5 महीने में सेक्रेटरी लोगों ने और एडीओ पंचायत ने लेने का काम किया। अब आगे क्या निर्णय लिया? साथियों, निर्णय तो साफ है, आपको पता है कि गलती ना सहन हुई ना होगी। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, या तो इस सिस्टम में सीडीओ साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब सुधार करने का काम कराएं, नहीं तो अगले सोमवार से सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा और एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूँ, जो तथ्य मैंने कहने का काम किया है, साफ तौर के बताना चाहता हूँ, अगर कोई अधिकारी चाहे उसके विजुअल भी देख सकता है, उसकी मेरे से रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, मैं उस चीज़ को साफ तौर पर साबित करने की स्थिति रखता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहता जिसे मैं साबित ना कर सकूँ। सहारनपुर समाजवादी व्यापार सभा ने जीएसटी के विरोध में शहर के बाजारों से पैदल मार्च निकाला। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी समाजवादी व्यापार सभा ने जीएसटी के विरुद्ध पैदल मार्च निकाला, जो कि नगर विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा संजय गर्ग और जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा के नेतृत्व में रामलीला भवन से चलकर घंटाघर पर शहीद भगवत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर समाप्त किया गया तथा प्रधानमंत्री के नाम विसंगतिपूर्ण जीएसटी की वजह से व्यापार के बर्बाद होने के संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। समाजवादी पार्टी नगर विधायक एवं समाजवादी पार्टी व्यापार सभा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि जीएसटी प्रणाली को लागू हुए 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज तक इसमें 970 से ज्यादा बार संशोधन किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इसका सही स्वरूप व्यापारियों के समक्ष नहीं आ पाया, जिसके कारण समस्त व्यापारी समाज शोषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा व्यापारी का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। सभी व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर और सारे बाजारों में पैदल मार्च करते हुए व्यापारी प्रतिष्ठानों पर व्यापारियों ने स्वयं हाथ पर काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च का समर्थन किया और जीएसटी के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। मैं उन सभी व्यापारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने समाजवादी व्यापार सभा के पैदल मार्च का स्वागत
मोरगंज चौक, फवारा शहीदगंज, नेहरू मार्केट चौक, श्रीराम चौक पर समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया और हाथों पर काली पट्टियां बांधकर इसे काले कानून का विरोध किया। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। 30 जून और 1 जुलाई 2017 को सिंपल और गुड टैक्स के नाम पर व्यापारियों को बहकाने के लिए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री ने जो GST लागू करने का काम किया और उस GST की वजह से पिछले 4 साल में जिस तरह से व्यापारी की कमर टूटने का काम हुआ, जिस तरह से व्यापारी हताश और निराश है, उस पर इंस्पेक्टर राज का शिकंजा और कसरा है, उस पर भ्रष्टाचार का शिकंजा और ज़्यादा कसरा है, उनमें तमाम विसंगतियाँ हैं। लगभग 950 से ज़्यादा उस पर संशोधन किए जा चुके हैं और उसकी वजह से इंस्पेक्टर जैसे चाहे मनमानी ढंग से व्यापारी का शोषण करने का काम कर रहा है। हमारा कहना है कि ऐसे उस कानून की हम निंदा करते हैं। वन टैक्स वन नेशन के नाम पर GST लागू हुआ, पर उसके बावजूद भी मंडी शुल्क जैसे तमाम टैक्स अभी भी चल रहे हैं और अलग अलग रूप में व्यापारी का शोषण हो रहा है, व्यापारी का व्यापार ठप हो रहा है। उसमें 5 स्लैब की GST लाने का काम किया। हमारी मांग है कि GST का सरलीकरण किया जाए। लगभग 4,000 करोड़ रुपया व्यापारियों का GST का बकाया है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे उन्हें दिया जाना है, परंतु उसे भी सरकार हीला हवाली कर देने का काम नहीं कर रही है। व्यापारी के ऊपर ब्याज चढ़ रहा है, ऊपर से कोरोना की महामारी में हमने इस बात की मांग की है कि GST के में रजिस्टर्ड तमाम व्यापारियों को 10 लाख का उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान करने की बात की जाए। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जिस तरह से GST को लागू करने का काम किया है समाजवादी व्यापार सभा ने पूरे प्रदेश में, प्रधानमंत्री के नाम GST के सरलीकरण के लिए, उसे 3 स्लैब में करने के लिए, डीजल पेट्रोल को GST के दायरे में लेने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड को समयबद्ध तरीके से वापस करने के लिए, ई वे बिल की कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए, कहीं माल पकड़ा गया हो उसकी जाँच स्थानीय जहाँ व्यापारी रजिस्टर्ड है वहीं पर करने के लिए, इन तमाम मांगों के आधार पर हमने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को देने का काम करते हुए आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। प्रयागराज में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, जहां नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना। नाबालिग लड़की की हालत गंभीर, स्थानीय पुलिस ने उपचार के लिए भेजा अस्पताल। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र का मामला, मौके पर पहुंचे SP यमुना पार सहित कई आला अधिकारी, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। पूरी घटना कल शाम की बताई जा रही है। सबसे शर्म की बात तो यह है कि कब रुकेगी ऐसी घटनाएं, जहां एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और अपराध मुक्त प्रदेश की बात करती है योगी सरकार, वहीं अपराध के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ऐसे ही बचेंगी हमारे समाज में बेटियां? करछना के पडोखरा में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप हुआ। पूरा मामला करछना थाना क्षेत्र के पडोखरा में आदिवासी युवती के साथ गाँव के कई लड़कों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवती को पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल भिजवा दिया। घटना मंगलवार देर शाम की है। घटना की सूचना मिलते ही SO करछना, CO एवं SP जमुनापार देर शाम घटना स्थल पर पहुंचे। मामला दो समुदायों के बीच का है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पडोखरा गाँव की एक आदिवासी परिवार की 16 वर्षीय किशोरी शाम को शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी, जिसे गांव के मुस्लिम समुदाय के 6 लड़कों ने पकड़कर बारी बारी से दुष्कर्म किया और बेहोश होने पर छोड़कर फरार हो गए। साथ में गई बहन को भी धमकाया और मौके से मारकर भगा दिया। बहन रोते हुए घर वालों से बताया तो घर वालों को पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने सबसे पहले लड़की की हालत देखकर अस्पताल भिजवाया और लड़की ने बयान में 2 लोगों का नाम बताया और 4 लोगों को अंधेरा होने से पहचान नहीं सकी। घटनास्थल पर देर रात तक आला अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। लड़की के परिजनों की तरफ से नामजद तहरीर दी गई है। वहीं मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से पुलिस बल तैनात किया गया है। और खबर लिखे जाने तक मिली जानकारी के अनुसार 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। बच्ची के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और मौके पर उनकी जो बच्ची थी उसकी बहन भी थी। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि पूरी घटना क्या है, बताइए। हम दोनों बहन आए थे खेत पे, तो वो लोग यहीं पे थे, 2 लोग और लोग थे, छुपे थे, तो उसके हाथ पकड़ के खींच लगे, मुझको गाली देने लगे, कट्टा लिए थे हाथ में, मुझको बोले कि तुम जाओ ना तुझे जान से मार देंगे। तो हम रोते अपने मम्मी के पास गए, फिर मम्मी पापा हमारी आए तो उन लोग पकड़े थे, फिर कुछ लोग छुड़ा दिया, फिर अपने घर चले गए।
वो लोग मतलब बच्ची को छोड़ के भाग गए? कब भागे? जब आपके माँ बाप आए थे तब भागे? हाँ, माँ बाप आए थे तब। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ऐसी वारदात यहाँ पे हुई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस पे प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए हुआ है और प्रशासन का सहयोग इन लोगों को नहीं मिल रहा है। और इनका एक भी और आरोप है कि यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग है वो आए दिन कोई न कोई इन लोगों के साथ वारदात करता रहता है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आइए हम जानते हैं कुछ ग्रामीण वालों से कि किस प्रकार मुस्लिम लोग या वो लोग इनको किस प्रकार से परेशान करते हैं, इसके बारे में आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। आप बताइए क्या घटना थी कल की और ऐसी घटना क्यों होती है? अब घटना क्यों होती है सर, ये हम लोग तो नहीं बता पाए। इन लोगों की दबंगई है यहाँ पर, ग्राम के प्रधान भी यहाँ पे साथ में मिले हुए हैं। आए दिन अभी गाय कटी थी, उसके बाद ट्रैक्टर में आग लगा दिए थे, कल ये वाला कांड हो गया। सर, मैं योगी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मामले को संज्ञान लेते हुए सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, आए दिन होती रहती है। हाँ, अब इतने लोग ग्राम सभा पूछ लीजिए कोई इनसे त्रस्त है कि नहीं है। अब आप ये ग्राम सभा सभी इकट्ठे हुए हैं, इनसे सब पूछ लीजिए आप। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका नाम? कौशलेश त्रिपाठी। चलिए, तो ये ग्रामीण के निवासी हैं और यहाँ पे आज सुबह से ही ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। घटनास्थल हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि घटनास्थल को दिखाने की कृपा करें। यही घटनास्थल है जहाँ पर कि कल की घटना को अंजाम दिया गया था और ये वारदात हुई थी। उसकी एक छोटी बहन से हमने अभी पूछा है, आपने देखा है सारी वारदात को उसने बताया है। और मौके पर कल रात को SP यमुनापार और यशो सहित काफ़ी फोर्स भी आई हुई थी, लेकिन बच्ची को वो अपने अंडर में लेके प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में भेज दिए हैं और उसका इलाज चल रहा है। हमारी दोनों लड़की गई थे, अभी छोटी लड़की भाग के आती है, हमसे बताते हैं। कहाँ गई थी आप लड़की? वहाँ पर पहाड़ पे गई थी। कब की बात है ये? बाकियों के पकड़े थे, बाकी हमारे लगे आते हैं, बता दिए तो मैं यहाँ से गए। ये हम दोनों लोग गए थे, तो हम दोनों लोग गए थे तो खेती वेती हम खड़ी थी, तो वो लोग गाय वाई खड़ी करके दारू पिए थे। हमारी दीदी घास पकड़ के लेके गए और मुझको गाली दिया, हम भी दिए तो कट्टा लेके मुझे बोला कि तुझे जान से मार दूंगे। तो हम रोते अपने मम्मी के पास आए, फिर मम्मी पापा गए उसे पकड़े थे, फिर कुछ गाँव वाले आए छुड़ा दिए, अपने घर चले गए। इस पर प्रदान नहीं कराते हैं। अच्छा, जो आपके पास आए थे उनको आप पहचानती हैं? नाम जानती हैं? नाम बताइए। एक लोग का गुफ्तान नाम था। हाँ। एक लोग का फरजान। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? जिला जिला पे। जिला कहाँ पे है? पड़खरे में है। यहाँ का पुलिस प्रशासन आई हुई थी? हाँ। आप उनकी क्या लगती हैं? छोटी। आज शाम थाना कर्षणा क्षेत्र के पड़ोखरा गांव से एक गैंगरेप की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी को मैं फोर्स के भेजा गया था। पीड़िता को तत्काल मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया तथा साथ ही फॉरेंसिक यूनिट की भी इसमें इनको जाँच पड़ताल के लिए लगाया गया था। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन दोनों आरोपियों को जो ग्राम पड़ोखरा के ही रहने वाले हैं, इन्हें थाना कर्षणा द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। बहुत जल्द इसमें हम लोग सभी साक्ष्यों को संकलन करके और जो भी हमारे परिस्थितिजनक साक्ष्य और जो भी हमारे फॉरेंसिक साक्ष्य हैं उनकी उनको एकत्रित करके इसमें चार्जशीट लगा के इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगवा करके बहुत जल्द जो दोनों आरोपी हैं इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयागराज पुलिस द्वारा प्रयास रहेगा। एक 85 साल की बुजुर्ग महिला के दुकान पर चोरी। आपको बता दें कि बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला रामा देवी 85 साल स्वर्गीय पत्नी बाबूराम मोहल्ला चमनगंज निवासी जबकि अपनी ठेली लगाकर अपना जीवन यापन करती हैं। बीती रात को किसी अराजक तत्वों ने उसकी ठेली से गुटखा, कमला पसंद तथा बिमल गुटखा और 200 रुपये नकदी रात के समय लगभग 12 बजे किसी ने अराजक तत्वों ने उड़ा दिया। घटना बहुत ही निंदनीय है क्योंकि पीड़ित आंखों से अंधी है। बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया जो कि नगर में पुलिस गश्ती की पोल खोल कर रख रहा है। संवाददाता विमल कुमार पांडे की खास रिपोर्ट।
कब चोरी हुई अम्मा? परसों की। कितने रुपये चोर गए तुम्हारी जी बताओ? है 200 रुपये। कभी रात की बात है? आप कहाँ थे? दिल्ली भी लेती थी? अच्छा तो को आओ को तो कोई आओ तो अच्छा आप सो रहे थे? आप सो रहे थे रात में क्या? अरे तो पूछ रहे हैं, आपने पूछे नहीं तो फिर जाने के। राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ उत्तर प्रदेश द्वारा मार्गों पर दुर्घटनाओं में घायल गौवंशों का कराया जा रहा है इलाज। जनपद में राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर इकाई द्वारा मार्गों और अन्य स्थानों पर दुर्घटनाओं में घायल गौवंशों का जगह जगह इलाज करो और उनको उचित इलाज दिया जा रहा है, जो एक संगठन का सराहनीय कदम है। बताते चलें कि आज कानपुर देहात की रनिया चौकी के पास रोड पर अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से घायल हुई गाय का जनपद की राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ की इकाई द्वारा सूचना मिलने पर तत्काल क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर बुलवाया गया और चिकित्सक द्वारा मौके पर पहुंचकर उसका उचित उपचार कराया गया। इस कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रनिया चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अनुराग पांडे का सराहनीय योगदान रहा, जिसके लिए राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ टीम ने उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह सिंगर एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी वीरेंद्र सिंह सिंगर और प्रदेश उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह, सचिव अंजनी मिश्रा ने गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ कानपुर टीम को हार्दिक बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया। ब्यूरो चीफ बिमल कुमार पांडे की रिपोर्ट। सरैनी रायबरेली थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में कोरोना महामारी की आपदा को अवसर समझ बैठे वन माफियाओं का तांडव दिखा जा सकता है। आपको बता दें कि सरैनी थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में अवैध कटान चरम सीमा पर है। वन माफिया क्षेत्र में प्रतिबंधित आम, महुआ, नीम, सीसम आदि वृक्षों पर आरा चलाने से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे व लगातार क्षेत्र में हरियाली उजाड़ने पर तुले हुए हैं। वन विभाग की मिलीभगत से वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वन माफिया खुलेआम दिन और रात लगाकर क्षेत्र में प्रतिबंधित वृक्षों को नेस्तना नाबूद करते जा रहे हैं। हल्का दरोगाओं की मिलीभगत से क्षेत्र में लगातार वन माफियाओं का तांडव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी में पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं रायबरेली की सरैनी में वन माफियाओं के द्वारा ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों को नेस्तना नाबूद किया जा रहा है। सरैनी चौराहे से जैसे ही प्रतिबंधित लकड़ियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप गाड़ियां गुजरती हैं, वैसे ही वहां खड़े दरोगा और पुलिसकर्मी पीछे लग जाते हैं और आगे जाकर वन माफियाओं से पैसे लेते हैं और अपनी जेब गर्म कर वापस लौट आते हैं। सरैनी पुलिस का कारनामा सालों से देखा जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, तो वहीं सरैनी थाने में तैनात दरोगा और सिपाही सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ये जल्द ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग नहीं जागा तो वन माफिया क्षेत्र को हरियाली मुक्त कर देंगे। एक ऐसा ही मामला बुधवार को प्रकाश में आया जहां बेखौफ वन माफिया द्वारा प्रतिबंधित हरे नीम के पेड़ पर इलेक्ट्रॉनिक आरा चलाते हुए जमीनों दर्ज कर दिया गया। मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवखेड़ा मजरे गोपाली खेड़ा का है। इस दौरान मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के उपरांत मौके पर घंटों देरी से पहुंची पुलिस ने कटी लकड़ी को गांव के एक अज्ञात व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया। हल्का इंचार्ज अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली है कि बगैर परमिट के हरा प्रतिबंधित पेड़ काटा जा रहा है, लकड़कट्टी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों का तो यह तक कहना है कि क्षेत्र में अवैध कटान और अवैध खनन और अवैध शराब का कारोबार दर्जनों गाँव में पुलिस की जानकारी में फल फूल रहा है। सरैनी रायबरेली से संवाददाता श्रवण कुमार की रिपोर्ट।